हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो लेटेस्ट GFR अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बारे में, जिसमें से कि एक अमेंडमेंट तो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। मतलब हर कोई मार्केट में कह रहा है कि L1 की लिमिट बढ़ गई, L1 की लिमिट बढ़ गई। लेकिन L1 के साथ साथ और भी बहुत सारे अमेंड हुए हैं। मतलब GFR में टोटल 13 अमेंडमेंट किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे वो जो 13 अमेंडमेंट्स हुए हैं, उन सभी 13 के 13 अमेंडमेंट्स को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पूरा जो सर्कुलर इशू हुआ है, मेमोरेंडम जो इशू हुआ है, पूरा डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हुए वन बाय वन मैं सारे अमेंडमेंट आपको बताऊंगा कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए और इन अमेंडमेंट से बायर को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, सेलर्स को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। इवन आप एक कंसल्टेंट है, सर्विस प्रोवाइडर है, अपने क्लाइंट का अकाउंट मैनेज करते हैं, तो आपके लिए भी क्या क्या बेनिफिट है, आपको कैसे काम करने में और ईजी होगा, इन चीजों को भी हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे चल के मैं आपको डिटेल में पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अमेंड की गई है और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं सारी, लेकिन आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते। देखिए, अगर आप लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी नहीं, और ये वाली जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि क्या होगा, कोई भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में किसी तरीके की गलती नहीं करेगा, चाहे वो बायर हो, चाहे वो सेलर हो, चाहे वो एक कंसल्टेंट हो। ये वीडियो हर एक किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने ऑफिस मेमोरेंडम ओपन कर लिया, और ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है, ये इशू कब हुआ है, ये जो इशू हुआ है हमारा 10 जुलाई 2024 को इशू हुआ है। मतलब कल की डेट में ही ये मेमोरेंडम इशू हुआ है 10 जुलाई को। अब इसमें बातें क्या क्या की गई है, इसमें देखिए मेमोरेंडम का जो हेडिंग ही लिखा गया है, अमेंडमेंट इन जनरल फाइनेंस रूल 2017। अब जनरल फाइनेंस रूल 2017, इसी के बेस पे क्या है, हमारी प्रोक्योरमेंट्स होती है, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है वो इसी के बेस पे की जाती है। अब इनमें क्या है, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। जब ये नोटिफिकेशन आप खोलेंगे, टोटल 10 पेजेस का ये मेमोरेंडम है, जिसके अंदर टोटल 13 अमेंडमेंट्स की बात की गई है, जिसमें कि जो हमारा सबसे पहला अमेंडमेंट है, सबसे पहले अमेंडमेंट में हमारी क्या बात की जा रही है, रूल नंबर 133 सब क्लोज 1 को अमेंड किया गया है। और इसमें बात क्या की जा रही है, इसमें ये बात की जा रही है कि जो हमारा रिपेयरिंग वर्क होता था, रिपेयरिंग वर्क की जो एस्टिमेट कॉस्ट की जो वैल्यू होती थी, वो पहले होती थी 30 लाख तक की। मतलब किसी बायर को कोई रिपेयरिंग वर्क कराना है तो वो 30 लाख तक का वन टाइम में रिपेयरिंग वर्क करवा सकता है, तो उसको क्या किया गया है, अमेंड करके 60 लाख रुपए कर दीजिए, 60 लाख कर दीजिए। मतलब पहले पॉइंट में तो सिंपल ये बताया गया है कि जो आपका रिपेयरिंग वर्क था उसकी लिमिट 30 लाख थी, उसको अमेंड करके 60 लाख कर दीजिए। अब इसी के पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है, पॉइंट नंबर 2 में ये बताया जा रहा है, ये जो हमने लिमिट को अमेंड की है ना, उसको यूज़ कौन कौन कर सकता है, किस किस को उसको यूज़ करने की परमिशन है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट कर सकता है, CPWD कर सकता है, बोर्ड ऑफ रोडर ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एंड डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, डिफेंस कर सकता है, रेलवे कर सकता है, एनवायरमेंट कर सकता है। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या बात की जा रही है, पॉइंट नंबर 3 में भी यही बात की जा रही है कि जो आपको परमिशन दी गई है ये प्रोक्योरमेंट करने की, बिड लगाने की, तो इसके बाद आपको ये भी परमिशन दी गई है कि अवार्ड कौन कौन कर सकता है, तो अवार्ड करने की भी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। इस पूरे PDF का डॉक्यूमेंट ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। मतलब पहला, मतलब पॉइंट नंबर 1 से लेकर 3 तक सिंपल सा कंसर्न आप ये समझिए कि जो रिपेयरिंग वर्क का काम था उसके लिमिट पहले 30 लाख रुपये थी, अब उसको इंक्रीज करके 60 लाख तक कर दी गई है, कि बायर अब जो रिपेयरिंग का वर्क है 60 लाख तक का एक सिंगल बिल में करवा सकता है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आ जाता है, जिसमें हमारा जो रूल अमेंड हुआ है, रूल हुआ है 139। अब 139 रूल पहले क्या कहता था, पहले ये कहता था कि जो हमारे ओपन टेंडर्स होते हैं उनकी जो लिमिट है 5 लाख से लेके 30 लाख तक की है। मतलब ओपन टेंडर जो आप कर सकते हैं 5 लाख से लेके 30 लाख तक के बीच के ही ओपन टेंडर आप कर सकते हैं। अब उस रूल को अमेंड करके क्या कर दिया गया है, 10 लाख से लेकर 60 लाख तक कर दिया गया है। मतलब आप 10 लाख से लेकर 60 लाख तक के प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं ओपन टेंडर के अंदर। अब ये जो ओपन टेंडर है और लिमिटेड टेंडर है, ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे सिर्फ काम करते हैं उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जो लोग CPWD, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल, स्टेट प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे काम करते हैं उनको डिटेल में समझ आ जाएगा कि बेसिकली ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर होते क्या है। इसी के बाद जैसा कि मैंने ओपन टेंडर का बताया, ओपन टेंडर की लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया और मैक्सिमम 60 लाख तक की इसकी लिमिट को कर दिया गया है। यहीं पे लिमिटेड टेंडर की पहले जो लिमिट थी ना बहुत कम थी। लिमिटेड टेंडर जो आप पहले कर सकते थे वो सिर्फ 5 लाख तक का ही कर सकते थे,
इससे ज्यादा का नहीं कर सकते थे। अब आपकी इस लिमिटेड टेंडर की लिमिट को क्या कर दिया गया, लिमिटेड टेंडर की लिमिट को आपको बढ़ा दिया गया, आप 10 लाख तक की जो वैल्यू है आपकी उसको आप अपने लिमिटेड टेंडर के थ्रू कर सकते हैं कंप्लीटेड। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो हमारा कवर होता है, रूल नंबर 149। रूल नंबर 149 पहले क्या कहता था, पहले हमें ये बताता था कि हमारी जो परचेज लिमिट्स है वो क्या है, कि भाई हमारी डायरेक्ट की परचेज लिमिट क्या है, L1 कंपैरिजन की परचेज लिमिट क्या है और बिडिंग की परचेज लिमिट क्या है। तो रूल नंबर 149 में सिंपली ये बताया गया है कि देखिए जो आपका सबसे पहला था, आप जो डायरेक्ट परचेज कर सकते थे वो 25,000 तक का कर सकते थे, इसमें आपको कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप मार्केट प्लेस में जाओ कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करो डायरेक्ट ऑर्डर कर दो। उस लिमिट को इंक्रीज करके क्या किया गया है, 50,000 रुपये कर दिया गया है। अब इसके बाद सेकेंड आ जाता है हमारा, देखिए इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इन केस ऑटोमोबाइल प्रोक्योरमेंट अंडर दिस सब रूल द परमिटेड विदाउट एनी सेलिंग लिमिट। मतलब आपके ऊपर अगर ऑटोमोबाइल की कोई प्रोक्योरमेंट आप कर रहे हैं, चाहे आप कार खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, एम्बुलेंस खरीद रहे हैं, तो इस केस में आपके ऊपर कोई भी प्रोक्योरमेंट की लिमिट नहीं है, आप कितने की भी डायरेक्ट परचेज की लिमिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट अबव 25,000 एंड अंडर द अप टू 5 लाख। तो इस केस में क्या होता था, जब हमारे ऑर्डर की वैल्यू 25,000 से ज़्यादा या 5 लाख के अंदर अंदर होती थी, तो उस केस में हमें क्या करना होता था, L1 कंपैरिजन करना होता था, मार्केट प्लेस में जाना है, 3 डिफरेंट ब्रांड से कंपेयर करके फिर हम परचेज करते थे। तो उस लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, अब जो आपको कंपैरिजन करना है 50,000 से लेके 10 लाख तक के बीच में, अगर आपकी किसी ऑर्डर की वैल्यू 50,000 से स्टार्ट हो रही है और 10 लाख के बीच में, तो उस केस में आपको L1 कंपैरिजन करना है, अदरवाइज आपको L1 कंपैरिजन करने की नीड नहीं है। आप 50,000 से कम अगर आपके ऑर्डर की वैल्यू है तो आप उसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट हमारा अमेंड हुआ है रूल नंबर 149 में, वो ये अमेंड हुआ है कि देखिए जब भी हमें पहले हम प्रोक्योरमेंट करते थे, अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट की ऑर्डर वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा इंक्रीज जाती थी, तो उसमें हमें मैंडेटरी हो जाता था कि हमें इस प्रोक्योरमेंट को बिड के थ्रू करना है। लेकिन अब उस रूल को जब हमारी L1 की लिमिट 10 लाख कर दी गई है, तो उसी के बेस पे जो हमारी बिड क्रिएट करने की लिमिट है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। जब आपके ऑर्डर की वैल्यू 10 लाख को क्रॉस करेगी, तो उस सिचुएशन में आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको बिडिंग के थ्रू प्रोक्योरमेंट करनी है, अदरवाइज आप L1 परचेज के थ्रू उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे 5 पॉइंट। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, पॉइंट नंबर 6 रूल नंबर 154। अब ये रूल नंबर 154 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 154 पहले ये कहता था कि मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोक्योर करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अवेलेबल नहीं है और आपको मतलब अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, तो उस केस में रूल नंबर 154 क्या कहता था कि आप उसको ना लोकल परचेज कर सकते हैं, आप अपने किसी लोकल सप्लायर से, आप अपने नियर बाय जो भी स्टोर है आप मार्केट में जाके उसको लोकली परचेज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको प्रोक्योरमेंट पोर्टल के थ्रू ही प्रोक्योर करना है। तो उस लिमिट को इंक्रीज करके अब क्या कर दिया गया है, 50,000 रुपये कर दिया गया। हाँ, बट यहाँ पे सिनेरियो एक एप्लीकेबल है, पहले भी अगर आप कोई लोकल परचेज करते थे विदाउट प्रोक्योरमेंट पोर्टल के थ्रू, तो उस केस में भी आपको एक अपना डिक्लेरेशन देना होता था और उस डिक्लेरेशन में ये मेंशन करना होता था कि आपने सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली है एंड आप अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के ऊपर इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं मार्केट प्राइस वगैरह कंपेयर करके। तो जब भी आप लोकल परचेज करेंगे तो उस परचेज में आपको एक अपना ये डिक्लेरेशन देना होता है, ठीक है। ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू का है कि अगर बायर कोई लोकल परचेज करता है तो उस केस में उसको अपना एक डिक्लेरेशन भी लगाना होगा, आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड एंड कंपेयर मार्केट प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन। तो इस टाइप का आपको एक डिक्लेरेशन भी मेंशन करके रखना होगा उस ऑर्डर की कॉपी के साथ। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में जो अमेंड हुआ है वो रूल नंबर 155 अमेंड हुआ है। अब रूल नंबर 155 सिमिलर अपना जो 154 है उसी का हायर वर्जन है। जैसे कि हमारा डायरेक्ट परचेज में था ना, डायरेक्ट परचेज में पहले 25,000 तक हमारी L1 डायरेक्ट परचेज होती थी, उसके बाद L1 होता था। अब इसी तरीके से रूल नंबर 155 भी क्या कहता है कि देखिए जो ऐसे प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अवेलेबल नहीं है और आप उसको परचेज करना चाहते हैं, तो पहले जो उसकी लिमिट थी ना, वो लिमिट थी हमारी 25,000 से लेके 2.5 लाख रुपये तक। अब इस लिमिट को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया 50,000 से लेके 5 लाख तक कर दिया गया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें क्या है, इसमें आपकी कमेटी इन्वॉल्व होगी। मतलब आप
50,000 तक की लोकल परचेज कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कमेटी का इन्वॉल्व होना कोई मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्ट एक सिंगल बायर भी उसको परचेज कर सकता है। लेकिन अगर आप जब 50,000 से लेके 50,000 से ऊपर की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं लोकल परचेज, जो कि 50,000 से लेके 5,00,000 तक के बीच की होनी हो सकती है, तो उसमें आपकी कमेटी इन्वॉल्व होगी। और कमेटी में कौन कौन हो सकता है, आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है, HOD हो सकता है, PO या अथॉरिटी हो सकती है, मतलब आपके मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के जो भी प्रोक्योरमेंट पर्सन होते हैं उन सबका इन्वॉल्वमेंट होना इसमें जरूरी है। और साथ ही वो जब इन्वॉल्व होंगे इस प्रोक्योरमेंट के अंदर, उनको एक अपना एक डिक्लेरेशन लेटर भी लगा के रखना होगा इस प्रोक्योरमेंट के अंदर, जिसमें कि उनको यही मेंशन करना होगा कि हम सेटिस्फाइड है इस प्रोक्योरमेंट से और हमने इस प्रोक्योरमेंट की सारी स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, ये सारी चीजें मार्केट से कंपेयर कर ली है, उसके बाद ही इसको परचेज किया गया है। यहाँ पे हर एक कमेटी मेंबर का डिक्लेरेशन लगेगा जो जो इस प्रोक्योरमेंट के अंदर इन्वॉल्व होगा। और ये जो प्रोक्योरमेंट है लोकल परचेज, अगर 50,000 से ऊपर कोई डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री करेगा तो वो एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता। अगर सिंगल इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है तो उसके ऊपर जो रूल एप्लीकेबल होगा वो होगा 154, जिसमें वो जो परचेज कर सकता है सिर्फ 50,000 तक की परचेज कर सकता है। अब जो आठवां अमेंडमेंट है हमारा वो है रूल नंबर 161, मतलब ये रूल नंबर 161। अब रूल नंबर 161 पहले पता है क्या कहता था, पहले जो रूल था इसका वो ये था, कभी भी कोई डिपार्टमेंट अगर कोई टेंडर लगाता है और जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 25,00,000 या 25,00,000 से ज्यादा है, तो आपको क्या है ना उस बिड की एडवर्टीज भी करनी होगी। एडवर्टीजमेंट मतलब क्या, कि मतलब आपको अपने पर्सनल पोर्टल पे उसको शो करना कि हमने ये टेंडर रिलीज किया है, आप न्यूज़पेपर में रिलीज कर सकते हैं, इसके बाद आप अपने जो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट है इस पे तो मैंडेटरी है, करना ही होता था, मतलब जो आपने टेंडर बनाया उसका एडवर्टीज भी करना कि आपने एक टेंडर रिलीज किया है। अब ये जो लिमिट है, तो ये जो रूल था कि जब आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू 25,00,000 या 25,00,000 से ज्यादा जा रही है तो उस केस में पहले आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट करना होता था, और जो मैंडेटरी था आपके लिए कि आपको सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट में तो एडवर्टीजमेंट करना ही करना है, पहले ये था रूल। अब जो रूल नंबर 161 को अमेंड करके कर दिया गया है, उसमें क्या बात कर दी गई है कि देखिए जो आपको एडवर्टीजमेंट करना है वो किस पे करना है, अगर आपके जो बिड की एस्टिमेटेड वैल्यू है 50,00,000 या 50,00,000 से अधिक है, इससे कम का है तो आपको एडवर्टीजमेंट नहीं करना। बट यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और ऐड कर दी गई, एक तो लिमिट बढ़ा दी कि आपको 50,00,000 या 50,00,000 से ऊपर की वीडियो का एडवर्टीजमेंट करना है। बट पहले क्या था, पहले मैंडेटरी था सिर्फ CPP पोर्टल पे तो आपको प्रोक्योरमेंट की ऐड करनी करनी है, लेकिन अब जो मैंडेटरी कर दिया गया है आपको CPP पोर्टल पे तो इसकी ऐड करनी है, जो आप 50,00,000 या 50,00,000 से ज्यादा की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। इसके बाद जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है उस पर भी पब्लिसिटी करनी है, इसके बाद JAM CPP पोर्टल जो है उसके ऊपर भी आपको उस टेंडर का एडवर्टीजमेंट करना मैंडेटरी हो गया है। मतलब पहले जो आपको एडवर्टीजमेंट करना होता था सिर्फ CPP पोर्टल पे करना होता था 25,00,000 की बिड या 25,00,000 से ज्यादा की बिडों के लिए। अब जो आपको एडवर्टीजमेंट करना है अपने टेंडर 50,00,000 या 50,00,000 से ज्यादा की जो बिड है उसका एडवर्टीजमेंट करना है, और आपको CPP पोर्टल के साथ साथ JAM CPP पोर्टल पे भी एडवर्टीजमेंट करना मैंडेटरी है। साथ ही साथ आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है उस पे भी आपको अपनी उस बिड का एडवर्टीजमेंट करना है, मतलब उसकी लिस्ट शो करनी है कि आपके डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ने यह टेंडर रिलीज किया है। अब जो नेक्स्ट रूल हमारा वेंड हुआ है, नेक्स्ट रूल नंबर है हमारा रूल नंबर 162। अब रूल नंबर 162 क्या कहता है कि यहाँ जो आपके लिमिटेड टेंडर है उसके लिमिट के बारे में। अब देखिए जो अभी हमने पीछे भी ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर, इन दोनों के बारे में बात किया था, लेकिन जो पीछे हमने बात किया था वो वर्क के टेंडर के बारे में बात किया था, और जो अब हम बात करने जा रहे हैं वो गुड्स के बिड के बारे में मतलब बात करने जा रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स की बिड है। पहले वर्क का किया था, अब प्रोडक्ट्स की बिड की लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट की जब लिमिटेड टेंडरिंग प्रोक्योरमेंट कोई करेगा तो उसमें क्या होगा, तो देखिए जो पहले प्रोडक्ट की लिमिटेड प्रोक्योरमेंट थी, मतलब लिमिटेड टेंडर्स की प्रोक्योरमेंट की लिमिट थी, वो थी 25,00,000 रुपीज। अब उसको अमेंड करके क्या कर दिया गया है, 50,00,000, मतलब पहले थी 25,00,000, अब उसको कर दिया गया है 50,00,000। किस केस में, गुड्स के केस में। अगर आपको एक गुड्स की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या है, लिमिटेड टेंडर्स की लिमिट जो है आपकी वो है 50,00,000 रुपये। और जो अगर आप कोई वर्क का टेंडर रिलीज कर रहे हैं तो वर्क के टेंडर का मैंने आपको पीछे ही बताया था अभी, उसकी लिमिट क्या थी हमारी, जो हमने पॉइंट नंबर 4 में डिस्कस किया था, वो थी हमारी 10,00,000 रुपये। वर्क के केस में अगर आप कोई वर्क का बिड कर रहे हैं तो उस केस में 10,00,000 रुपये लिमिटेड टेंडर की लिमिट है, और अगर आप गुड्स की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारी लिमिट है वो है 50,00,000 रुपए लिमिटेड टेंडर्स की। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 162 अमेंड। 162 में पहले लिमिटेड टेंडर की लिमिट थी वो थी 25,00,000, अब जो लिमिट को अमेंड कर दिया गया है रूल नंबर 162 में वो कर दिया गया है 50,00,000।
ठीक है, तो ये तो लिमिट्स की बात हो गई। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, जब आपकी 50 लाख की प्रोक्योरमेंट की लिमिट है, तो अगर आप 50 लाख की लिमिट कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो रूल नंबर है एडवर्टीजमेंट का रूल भी अप्लीकेबल हो जाएगा 161, जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रोक्योरमेंट की एडवर्टीजमेंट भी करनी है जेम सीसीपी पे भी और सीपीपी पोर्टल पे भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स पे भी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 162। अब नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट रूल हमारा अमेंड हुआ है वो नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 173। देखिए रूल नंबर 173 क्या कहता है, ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्पिटिशन। अगर कोई भी बिट अगर 25 लाख से ज़्यादा की है, 25 लाख से ज़्यादा की वैल्यू एक्सीड कर रही है, तो उसके अंदर पहले जो रूल कहता था ना, पहले ये कहता था कि भाई इस बिट की इवैल्यूएशन में या इस पूरी प्रोक्योरमेंट में आपका जो कमेटी है उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कोई भी इंटरफेस कर सकता है इस बिट के अंदर कि भाई इस बिट में क्या चल रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आया है। और ग्रुप इवैल्यूएशन नॉर्मल टर्म्स में समझे तो जो अभी हम लोग करते हैं ना ग्रुप इवैल्यूएशन, सिंगल इवैल्यूएशन, तो अगर किसी भी बिड की वैल्यू 25 लाख से ज्यादा थी तो उस केस में पहले भी था कि मैंडेटरी था कि भाई इसमें ग्रुप का इवैल्यूएशन हो सकता है। अब इस लिमिट को इंक्रीज करके क्या कर दिया गया है, 50 लाख कर दिया है कि अगर कोई भी बिड 50 लाख से ज्यादा की वैल्यू एक्सीड करता है तो उसमें ग्रुप इवैल्यूएशन हो सकता है, वहां पे ग्रुप इवैल्यूएशन किया जा सकता है, आपकी कमेटी इन्वॉल्व हो सकती है, कमेटी इवैल्यूएशन हो सकता है। अगर 50 लाख से कम है उस प्रोक्योरमेंट की वैल्यू तो वहां पे सिंगल इवैल्यूएटर भी उस बिड को प्रोसीड कर सकता है, लेकिन 50 लाख से ज्यादा है तो वहां पे ग्रुप का, कमेटी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वो लोग चीजें चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और ग्रुप इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल जो हमारा अमेंड हुआ है रूल नंबर 183। देखिए रूल नंबर 183 क्या कहता था, जब भी किसी डिपार्टमेंट को या मिनिस्ट्री को कोई कंसल्टेंसी सर्विस लेनी होती थी तो उसकी जो लिमिट थी ना वो थी पहले 25 लाख रुपीज। अगर किसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को किसी से कंसल्टेंसी लेना है, कुछ डिस्कस करना है और उसकी प्रोक्योरमेंट करनी है तो वो 25 लाख तक की ही कर सकते थे सिंगल वन टाइम में। अब उस लिमिट को इंक्रीज करके क्या कर दिया गया, 50 लाख तक कर दिया गया, मतलब आप जो कंसल्टेंसी ले सकते हैं वो 50 लाख तक की ले सकते हैं, ये अमेंड कर दिया गया। तो ये बायर्स के लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट है। ठीक है, अब जो आ जाते हैं हम नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो रूल अमेंड हुआ है हमारा, अब हम आ गए अपने रूल नंबर 201 पे। अब रूल नंबर 201 क्या कहता है, रूल नंबर 201 ये कहता है नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब इसका डायरेक्ट कनेक्शन इससे ही है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कंसल्टेंसी सर्विस, ये हो गई नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज। नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज आप क्या मान सकते हैं, लाइक मान लीजिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट डेवलप कराना है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कराना है, तो ये सारी हो जाती है नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज। और ये जो अभी जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये सारी बिड्स की बातें कर रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट परचेज में कंसिडर मत कर लेना। डायरेक्ट परचेज की जो लास्ट लिमिट है वो हमारी, हमने जो जैम के वाली समझी वो समझी सिर्फ 10 लाख तक की है। ठीक है, अभी ये जो बात हो रही है बिड के ऊपर हो रही है, और पहले जो रूल नंबर 201 कहता था वो ये कहता था कि नॉन कंसल्टेंसी सर्विस अगर जो आप लेंगे वो सिर्फ 10 लाख तक की ही ले सकते हैं। अब इसको अमेंड करके कितना कर दिया है, 50 लाख। जो आप कंसल्टेंसी सर्विस की बिड लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं आप 50 लाख तक की, और नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज की जो बिड लगा सकते हैं वो भी आप 50 लाख तक की लगा सकते हैं। मतलब दोनों को क्या किया गया, इक्वल कर दिया गया और 50 लाख तक की लिमिट कर दी गई है। एंड इन सभी में एप्लीकेबल है कि अगर आपके जो एस्टिमेटेड बिड की वैल्यू जा रही है अगर 50 लाख एक्सीड कर रही है तो उस केस में आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट जरूर करना है। रूल नंबर 161 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जो हमारा लास्ट रूल नंबर रह गया, लास्ट रूल नंबर है हमारा रूल नंबर 218। अब रूल नंबर 218 क्या बात करता है, देखिए रूल नंबर 218 हमारा क्या बात करता है, ये बात करता है जो भी आपका सरप्लस है या अनयूज प्रोडक्ट्स है डिपार्टमेंट में, जो खराब स्पेयर पार्ट्स हो गए, खराब फर्नीचर हो गया या स्क्रैप्स हो गया, तो इन सबको डिपार्टमेंट को जो सेल करना होता था वो फॉरवर्ड ऑक्शन के थ्रू करना होता है। तो जो फॉरवर्ड ऑक्शन की वन टाइम की लिमिट थी ना पहले थी, वो सिर्फ थी 2 लाख रुपए की, कि जो आप फॉरवर्ड ऑक्शन कर सकते हैं सिर्फ 2 लाख तक की कर सकते हैं। अब इसको अमेंड करके क्या कर दिया गया, 4 लाख रुपए का कर दिया गया। मतलब आप जो भी अपने डिपार्टमेंट का, ये मान के चलिए जो स्क्रैप सामान है, अनयूज मटेरियल है, उसको आप फॉरवर्ड ऑक्शन के थ्रू सेल कर सकते हैं, और कितने तक का सेल कर सकते हैं वन टाइम में, वो 4 लाख रुपए तक का वन टाइम में आप सेल कर सकते हैं। ये थे सारे अपडेट्स, और इसमें सबसे अच्छा अपडेट जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जितने बायर एंड सेलर काम करते हैं उन लोगों के लिए L1 कंपैरिजन वाला बहुत अच्छा अपडेट है, सबके ही मजे मजे हैं, क्योंकि बायर को भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जैसे 5 लाख से ज़्यादा लिमिट गई उसकी बिड बनाओ, बिड का प्रोसेस 20-25 दिन काफ़ी लंबा लेंदी हो जाता था,
और सेलर को भी एक बड़े वॉल्यूम का ऑर्डर नहीं मिल पाता था डायरेक्ट में, तो दोनों ही लोगों के लिए अच्छा काम हो गया। बायर सिंगल क्विक अपनी प्रोक्योरमेंट कर पाएगा और सेलर को जो अब ऑर्डर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेंगे डायरेक्ट के अंदर, उनको ज़्यादा बिडो के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा। तो ये थे सारे अपडेट, उम्मीद है पूरी वीडियो समझ आई होगी, डिटेल में समझ आया होगा। मैंने काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, क्योंकि ये पूरी वीडियो पूरी इन डेप्थ समझाता ना, तो ये 1.5-2 घंटे से कम की नहीं जाती, तो मैंने एकदम शॉर्ट में आपको समझाने का ट्राई किया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो हर एक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में जितने भी पर्सन इन्वॉल्व है, चाहे वो बायर हो, चाहे सेलर हो, चाहे कंसल्टेंट हो, उन सभी को ये सारे पॉइंट्स पता होना ज़रूरी है, जिससे कि वो लोग अपनी प्रोक्योरमेंट में कोई भी गलती ना करें। तो बस आज की वीडियो में इतने, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हमारी ऑथराइजेशन वाली भी आपके लिए जल्दी आने वाली है, HP के ऊपर हम अगली वीडियो लेके आने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो और मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूँ, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्कैमर्स के ऊपर, जो मार्केट में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे स्कैम्स चल रहे हैं, जो लोग स्कैम कर रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट के नाम पे, बहुत से बायर के साथ स्कैम हुआ है, सेलर्स के साथ स्कैम हुआ है, तो वो लोग उन स्कैम से कैसे बचे और जिनके साथ हो गया है तो उस स्कैम्स को कैसे रिजॉल्व कर पाए जिनके साथ स्कैम हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्द ही मैं आप लोगों के लिए दोनों वीडियो लेके आऊँगा।